हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आज हम तैयार करेंगे ओट्स के लड्डू। ओट्स के लड्डू फ्रेंड्स खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं क्योंकि ओट्स में डाइट्री फाइबर पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं आज ओट्स के लड्डू। ओट्स के लड्डू बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 2 कप ओट्स, 1 कप मूँगफली के दाने, कद्दूकस किया हुआ गुड़ 1 कप, 2 टेबल स्पून तिल, 4 इलायची और थोड़ा सा घी। सबसे पहले आप एक पैन गरम करिए, उसमें जो आपने मूंगफली के दाने लिए हुए हैं उन दानों को अच्छे से उसमें रोस्ट कर लीजिए बिना ऑयल डाले। जब आपके मूंगफली के दाने रेड हो जाएं, अच्छे से भुन जाएं, तब आप उनको एक प्लेट में अलग से निकाल लीजिए। अब उसी पैन में आप जो आपने तिल लिया हुआ है उसको फ्राई कर लीजिए। आपको तिल को जब तक भूनना है जब तक कि तिल के दाने चटकने लगे। अब तिल को भी एक ट्रे में अलग निकाल लीजिए। अब उसी पैन में आप ओट्स डालिए और ओट्स को भी 4 से 5 मिनट तक अच्छे से उसको चलाते हुए भूनिए। आपको ओट्स को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ उसका जो हल्का सा मॉइस्चर होता है उसको ख़त्म करना है, तो इसलिए 4 से 5 मिनट के लिए ओट्स को धीमी आंच पे भूनिए। ओट्स भुनने के बाद में आप उसको भी एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब भुनी हुई मूंगफली को पीस लीजिए। अब ओट्स, तिल और इलायची को भी पीस लीजिए और पीस के पाउडर तैयार कर लीजिए। अब ओट्स पाउडर और मूंगफली पाउडर को आपस में मिला लीजिए। पाउडर को आपस में मिलाने के बाद में अब जो आपने गुड़ लिया हुआ है उस गुड़ को हल्के गुनगुने पाउडर में ऐड कर दीजिए और हाथों से मसल कर गुड़ को पूरे पाउडर में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जब गुड़ पाउडर में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो हथेली में थोड़ा सा घी लेकर आप लड्डू बनाना शुरू करिए। हथेली में घी लगाकर अगर आप लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत आसानी से बन जाएंगे। ओट्स के लड्डू बनकर तैयार हैं। अब आप छोटे छोटे वॉलनट्स यानी कि अखरोट काटकर उसको ऊपर लगाइए और उनकी गार्निशिंग करिए। इस तरीके से हमारे डिलीशियस ओट्स लड्डू बनकर तैयार हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आज हमने ओट्स के लड्डू बनाकर तैयार किए। आई होप आप भी इन लड्डुओं को ज़रूर से अपने घर पर ट्राई करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके साथ ही साथ मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। मैं फिर आपसे मिलूंगी किसी दूसरी टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।